विपक्ष अपना भूमिका नहीं, नहीं देखिए ऐसा क्योंकि उनका विषय है, मैंने कहा है कि ये हमारा विषय नहीं है, ये विपक्ष का उनका अपना इंटरनल मामला है, वो किसको नॉमिनेट करेंगे किसको नहीं करेंगे जो भी आएगा उसका। सर विपक्ष की ओर से कहा भी गया कि आगे बढ़ाया जाए, क्योंकि कई बार ये कहा जाता है कि सेशन जो है वो कम समय है और उनके जो मुद्दे हैं वो नहीं। देखिए जितना बिजनेस है उसी बिजनेस के अनुसार ही हाउस चलेगा, अगर बिजनेस और आएगा तो और चलेगा। तो फिलहाल तो वो महाराष्ट्र दौरा भी रहने वाला सर, आप अभी जा रहा हूँ मैं, किस प्रकार से सर रहेंगे सर? नहीं देखिए आज पूरे देश के अंदर मोदी जी की गारंटी के ऊपर लोग विश्वास कर रहे हैं, महाराष्ट्र झारखंड के अंदर भी भारतीय जनता पार्टी आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में बहुत बड़े मार्जिन के साथ वो जीत करके आ रही है। जाएगा सर हरियाणा में जिस तरीके से बहुमत मिला है वो इंपैक्ट वहाँ पर भी देखते हैं? नहीं देखिए सभी इंपैक्ट देखने को मिलते हैं, तीसरी बार केंद्र में सरकार नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में बनी है उसका भी इंपैक्ट है, और जहाँ जहाँ चुनाव हो रहे हैं वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को बड़ा समर्थन मिल रहा है, लोगों का आशीर्वाद मिल रहा है, उसका भी इंपैक्ट है, सभी इंपैक्ट है। और वहाँ भी लोग इस बात को वो समझ रहे हैं कि कांग्रेस झूठ को लेकर के बात करती है और झूठे वायदे करती है और झूठ की पराकाष्ठा भी लांघ देती है कांग्रेस, क्योंकि वो इतना झूठ बोलती है कि सामने वाले को भी जिसने लाभ लेना होता है उसको भी ये लगने लगता है कि ये तो झूठ है, कुछ नहीं है इसके अंदर और खाली ये तो बातें कर रहे हैं। परंतु मोदी जी की गारंटी के ऊपर विश्वास है लोगों को, मोदी जी जो बोलते हैं वो करते हैं और किया है। सर किसानों को लेकर जिस तरीके से जुर्माना लगाया गया है पराली जलाने के मुद्दे को लेकर, उसको लेकर विपक्ष का सीधे तौर पे कहना है कि किसानों के साथ न्याय जो है वो नहीं किया जा रहा। नहीं देखिए क्योंकि किसानों को, हमारे किसान बड़े समझदार हैं, हम उनको समझा भी रहे हैं, और हमारे यहाँ ऐसा नहीं है कि किसान ज़्यादा पराली जला रहे हैं। अगर हम देखें कि हमने जो पीछे भी बात कही थी, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी हमारे किसानों को अप्रिशिएट किया था, उनकी प्रशंसा की थी, और अब की बार भी ऐसा नहीं है। और हम अगर सरकार के तौर के ऊपर कुछ उनको इंस्ट्रूमेंट की आवश्यकता है, हमने कहा भी है, वो हम अवेलेबल भी करा रहे हैं और आगे भी करा रहे हैं। सर कितने दिन का कैंपेन रहेगा सर महाराष्ट्र का आपका? इधर आ जाओ, इधर। तो मुख्यमंत्री नायब सैनी को आप सुन रहे थे, जिन्होंने महाराष्ट्र दौरे को लेकर विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने कहा कि महायुति के उम्मीदवारों के लिए वो प्रचार करेंगे, और क्योंकि मोदी की गारंटियों पर लोगों को विश्वास है और जिस तरह का मैंडेट हरियाणा में जनता ने दिया है उसी तरह का मैंडेट, उसका ही असर, उसका इम्पैक्ट कहीं ना कहीं महाराष्ट्र विधानसभा चुनावों में भी देखने को मिलेगा। चंडीगढ़ में आज वो मौजूद थे जहाँ एक महत्वपूर्ण बैठक में उन्होंने हिस्सा लिया था, और वहीं पर बात करते हुए मीडिया से मुखातिब होते हुए उन्होंने इस बात का जिक्र किया कि विपक्ष का बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की बैठक में शामिल ना होना वो विपक्ष का इंटरनल मामला हो सकता है, कांग्रेस का इंटरनल मामला हो सकता है। साथ ही साथ महाराष्ट्र के क्योंकि दौरे पर मुख्यमंत्री जाने वाले हैं, आज महाराष्ट्र के पुणे जाएंगे, प्रचार करेंगे, फिर कल मुंबई में उनकी चुनावी सभा होगी, वहाँ पर बीजेपी के लिए, महायुति के लिए वो प्रचार करेंगे, और उसी दौरे की जानकारी मुख्यमंत्री नायब सैनी यहाँ पर देते हुए नजर आए। बैठक के बाद मीडिया से वो मुखातिब हो रहे थे, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गारंटियों पर लोगों को विश्वास है और महाराष्ट्र में भी ये विश्वास यूं ही बरकरार रहेगा, और इसी को ध्यान में रखते हुए महाराष्ट्र की आवाम, मराठी मानुस भी वोट करेगा, इस तरह का उन्होंने आश्वासन दिया है और इस तरह की उम्मीद यहाँ पर उन्होंने जताई है।